सरो का। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नगर संग्राम में। उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। बता दें कि सभी पार्टी निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अपनी अपनी दावेदारी ठोक रही हैं। सभी प्रत्याशी अपने जनता के बीच जाकर वहां पर उनका समर्थन ले रहे हैं। निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में है, तो वहीं प्राइम टीवी की टीम अपने खास कार्यक्रम को लेकर छिबरामऊ नगर पालिका पहुंची, जहां अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी राजीव दुबे मौजूद हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी से जानेंगे कि क्या क्षेत्र के अहम मुद्दे हैं, अगर उन्हें जनता चुनकर भेजती है तो किन प्रमुख समस्याओं पर काम करते हुए नजर आएंगे, साथ ही क्षेत्र में कैसा समर्थन देखने को मिल रहा है। तो हम अपने खास कार्यक्रम में स्वागत करते हैं राजीव दुबे का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। नमस्कार जी। राजीव जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बता दीजिए और ये बताइए कि आपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे की। मेरा नाम राजीव दुबे है और मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत अगर देखी जाए तो आज से नहीं, बहुत पहले 1981 में जो हमारा छात्र जीवन था उसी समय शुरुआत हुई थी। और हमने कानपुर के विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म कॉलेज जो है उससे महामंत्री का चुनाव लड़ा था छात्र संघ का, और वहां से शुरुआत होने के बाद उसके कुछ दिन बाद ही कानपुर विश्वविद्यालय से भी महामंत्री में चुना गया था। शुरुआत तो वहां से हुई, लेकिन इस बीच में वहां से आगे बढ़ने में थोड़ा सा हमारा, चूंकि हम अपने पिताजी के अपने अकेले थे, हम अपने कार्य को और व्यवसाय में लगे रहे, उसको करते रहे, लेकिन अपने साथ साथ उस व्यवसाय के साथ साथ राजनीतिक जीवन में हमेशा, चूंकि हमारा परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी उस समय जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, तो उस समय से जुड़ा रहा। हमारे पिताजी भी आरएसएस के विचारक थे, तो उसी से हमारी यहाँ से शुरुआत है। अगर देखा जाए तो हमारी इस शुरुआत वहीं से हम इसको मानते हैं। राजीव जी, आपने काफी लंबा समय जो है राजनीति में दिया है। हर इंसान का एक राजनीति में मार्गदर्शक होता है, आपका कौन है? अगर उसके तथ्य में जाएं तो हमने शुरुआत से, जब से हमने अपनी जो संभाला है उस समय से ही हमने मानी अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना आदर्श माना है और उन्हीं के आदर्श के हिसाब से हमेशा आगे बढ़ने का कोशिश की है, क्योंकि हमारा मानना है कि उनसा उदाहरण शायद ही राजनीति में कहीं कोई भी याद दे सके, जिसमें कि जिनको कि पक्ष तो पक्ष विपक्ष ने भी हमेशा उनको सराहा है और उनको माना है। राजीव जी, आप अपने आदर्श अटल बिहारी वाजपेयी को मानते हैं, आपने राजनीति के सफर में कौन कौन सी चुनौतियां देखी, कौन कौन सी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? राजनीतिक जीवन में तो अगर देखा जाए तो चुनौतियां हमारे सामने कुछ खास नहीं रही, जहां तक है ईश्वर की कृपा रही और जनता का सहयोग रहा। एक चीज और दिमाग में हमेशा रही, जो कि वाजपेयी जी का भी एक वो था कि हम जनता से हैं और जनता से ही विचारों से, जनता के आदर्शों से, जनता के विकास के हिसाब से जैसे चलते हैं, जनता के हिसाब से ही राजनीति चलती है, तो उसी हिसाब से हमें हमेशा सहयोग भी मिलता रहा। लेकिन अगर देखा जाए तो हमने इस बार जरूर इस बार कुछ कठिनाई महसूस की, जो जिसको हमें बताना नहीं चाहिए, इस समय वो मौका नहीं है क्योंकि तुरंत ही चुनाव है, लेकिन वैसे कभी हमारे सामने ऐसा कोई संघर्ष नहीं रहा। लेकिन एक बात जरूर रही, हमारी कभी कोई लालसा नहीं रही, हमारा कोई पद की लालसा नहीं रही। और हम आपको बता दें, हम 1981 से अगर हमने छात्र जीवन की शुरुआत की थी, छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत की थी, उसके बाद लगातार बीच में हम राजनीति से जुड़े तो रहे, एक दूसरे का साथ दिया। पंडित राम प्रकाश त्रिपाठी जी जो कि यहाँ से चुनाव लड़ते थे और यहाँ से सांसद भी रहे थे, विधायक भी रहे थे, उनके हर चुनाव में, ऐसा कोई चुनाव नहीं था जिसमें कि चुनाव के वक्त
वो त्रिपाठी जी भी, हम चूंकि उनको चाचा जी, वैसे तो जग चाचा भी उनको कहा जाता है और सभी लोग उनको चाचा जी के नाम से बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने तो उनका वास्तव में अपने चाचा जी का आदर्श, अपने पिताजी का स्वरूप उनके अंदर देखा था, उन्हीं के हिसाब से चले थे, उन्हीं के शरण में चले थे और उन्हीं के साथ में ही हमने माननीय वाजपेयी जी के भी दर्शन हुए, तो उन्हीं से मुलाकात उसी बचपन में हुई थी, लेकिन उसी के साथ साथ चलते हुए अपना सिर्फ पार्टी से जुड़े रहे और कभी हमने किसी का कोई वो नहीं, सिर्फ पार्टी के साथ, पार्टी के हित में और पार्टी के साथ में ही हम चलते रहे। राजीव जी, आप आदर्श मानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी को, देश में तमाम बड़ी पार्टियां हैं लेकिन आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का क्यों सोचा? ये तो बात वास्तव में ऐसी है जो हमारे लिए भी आज सोच से बाहर है। आज से 5 दिन पहले तक हमने तो ये सोचा भी नहीं था कि हमें कभी जिंदगी में इस तरीके का चुनाव लड़ना पड़ेगा जिसमें कि हमें निर्दलीय लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए या भारतीय जनता पार्टी के साथ निष्ठा में रहते हुए बीता है। और उसके साथ ही आपको एक बात और बता दें कि जो हमने 1980-81 में भी जो चुनाव जो छात्र संघ का लड़ा था वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले लड़ा था, तो हम तो उस समय से जब शुरुआत हुई तब से जुड़े हैं और आज भी यही मान के चलते थे। पिछला चुनाव 2017 का जो हम लड़े थे वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले ही लड़े थे और उसमें वो हमने मुकाम हासिल किया था और ईश्वर की कृपा से, जनता के सहयोग से वो मुकाम हासिल हुआ था कि आसपास के 2-3 जनपदों में हमारी अकेली सीट भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले जीती थी। और एक बड़ी जीत जो छिबरामऊ नगर पालिका जैसी नगर पालिका जिसमें आज तक का जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो हमारे ही नाम पर लिखा हुआ है, जो पिछली बार हुआ था वो लगभग 5,000 प्लस से हमारी जीत हुई थी, लेकिन न जाने क्यों, जो आपने अभी प्रश्न पूछा था उसका जवाब मैं देना चाहता हूं, मैं पूरी तरीके से आश्वान्वित था और हर तरीके से तय भी था, लगभग सभी पदाधिकारी और सभी जो उच्च पदाधिकारी थे, उच्च लोग थे, वो सभी की तरफ से ये था कि नहीं, आश्वस्त भी था कि मुझे टिकट मिलेगी, लेकिन न जाने किस कारण से इस बार मेरा टिकट कटा और पार्टी ने हमें इस लायक नहीं समझा कि हमें भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले लड़ाया जाए। तो आज सिर्फ जो आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ना मैं पहले, मतलब मैं हमेशा साथ था, ना मैं उससे कभी अलग हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी या संगठन मेरे प्राणों में बसता है, मेरे खून में बसता है और हमेशा हमने इस पार्टी के लिए ही किया है। और उसके बावजूद जब ऐसा स्थिति आ गई है तो हमें लड़ने के अलावा और चारा कौन सा रह जाता है, हमें ये सिद्ध भी करना है कि हमारे साथ में अन्याय हुआ और हमें ये सिद्ध करना है कि हम बिना पार्टी के सिंबल के रहते हुए भी पार्टी के साथ हैं और पार्टी के लिए जीत करके उनको, पार्टी को हम अपनी झोली में सीट देना चाहते हैं। राजीव जी, आपने कहा कि 2017 में आपने बड़ी जीत हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले, अब आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, जनता का समर्थन कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जनता पार्टी, जनता का समर्थन और जनता पार्टी के समर्थन अलग बात है। ये छोटा चुनाव है हमारे हिसाब से, ये विधायकी या सांसदी का चुनाव नहीं है जिसमें कि अलग से, या मेयर का कह लिया जाता है, मेयर का चुनाव नहीं है, MLC का चुनाव नहीं है जिसमें कि पार्टी के समर्थन के हिसाब से होता है। यहाँ पे जनता वोट करती है और जनता का समर्थन हमारे साथ में है। बहुत से लोगों को इस बात पर भी वो है। एक चीज और हम बता दें, जिस दिन हमारा टिकट कटा, अनएक्सपेक्टेड था, जो किसके, जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन और उसी तरीके से हमारी पूरी नगर की जनता के लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। उनको वो सबके मुंह खुला रह गया, सबके चेहरे एकदम फक तोड़ गए कि ये क्या हुआ, ऐसा कैसे संभव है कि राजीव की टिकट कट जाए। तो उन लोगों ने ही यहाँ पे आकर के हमारे पास आए, हमसे कहा, हमसे निवेदन किया, फोन के द्वारा संपर्क किया और हमसे कहा कि नहीं, इस बार तो तुम्हें चुनाव लड़ना होगा और तुम्हें ये सिद्ध भी करना होगा कि ये किस कारण से, किस षड्यंत्र के तहत या किसी राजनीतिक उसमें, प्रतिस्पर्धा में या किसी तरीके से जैसे भी कटी है, हम नहीं बता सकते। ये इसका कारण तो हाईकमान जानता होगा या जो पार्टी जानती होगी, लेकिन हम एक ही और कहना चाहते हैं, हम ये निर्दलीय लड़ते हुए भी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना पार्टी के अनुशासन को हम कहीं तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम ये पार्टी के साथ रहते हुए हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए हम लड़ने जा रहे हैं। राजीव जी, आप अपने कंपटीशन के तौर पर अपने क्षेत्र में किसको देख रहे हैं?
जहां तक हमारा मानना है, हर प्रत्याशी अपने आप को ये मानता है कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, लेकिन जहां तक है जो मुख्य रूप से प्रत्याशी सपा का प्रतिद्वंदी जो होगा, सपा समाजवादी पार्टी से जो होगा, उसी से हमारा जहां तक है वो सामना होगा। और वही जो कि पिछली बार भी दूसरे नंबर पर रहा था, हालांकि उसको उतने वोट नहीं मिले थे जितने से मेरी जीत हुई थी, लेकिन जहां तक है वो इस पिछली बार वो मतलब वो जो उसका प्रयास था उससे बढ़कर, क्योंकि वो अपना प्रयास कर रहा है, वो अपनी तरफ से तैयारी कर रहा था, मैं अपनी तरफ से तैयारी कर रहा था, तो उसके हिसाब से जहां तक हमारा सीधा सीधा मुकाबला उसी से होना है और कोई नहीं आना है। राजीव जी, क्षेत्र में अपने विकास के तौर पर क्या कुछ कमी देखने को मिल रही है? देखिए, हमने अपने क्षेत्र में विकास करने के नाम पर अगर देखा जाए तो हमें तो जिस समय शुरुआत में हमें नगर पालिका मिली थी उस समय तो उस स्थिति में मिली थी कि वहां पर एक भौतिक जो जरूरतें थी, वास्तविक जो हमें मिलनी चाहिए थी, जो शुरुआती जो जरूरतें थी नगर की, जैसे शौचालय का ना होना, पानी की कमी, हैंडपंपों का ना होना, और क्या कहते हैं पूरे नगर में एक भी शौचालय का ना होना, ये आप खुद ही समझ लीजिए, एक भी शौचालय नहीं था। ये पानी के जहां हम देखते थे हमारे अगल बगल पास पड़ोस के कुछ नगरों में पानी के प्याऊ की व्यवस्था और ये वाटर कूलर वगैरह लगे हुआ करते थे, हमारे नगर में उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, हमने उसकी व्यवस्था की, सफाई की व्यवस्था, रोडें सब त्रस्त व्यस्त थी, चूंकि जल निगम के द्वारा जो वाटर पाइपलाइन डाली गई थी उनकी वजह से पूरा नगर ध्वस्त पड़ा हुआ था, वो पूरी रोडें बनवानी थी, नालियां जाम थी, सीवर लाइन जाम थी, इन सब कूड़ा घर का कोई व्यवस्था नहीं थी, इन सब की व्यवस्था हमने की है। लाइट की, जैसे कि लाइट अगर लाइट चली जाती थी तो बाबू नगर में एकदम त्राय त्राय मच जाती थी, अंधेरा हो जाता था, कोई व्यवस्था नहीं थी उसकी जगह पे हमने जैसे सोलर की व्यवस्था की है। तो ऐसे बहुत सारी जो भौतिक जरूरतें थी, वास्तविक जरूरतें थी शुरुआत की, अभी तक तो हम उनको पूरा कर पाए थे। इस बीच जैसा कि आपको मालूम है कि दो साल ढाई साल जो है वो कोरोना का भी बीता, उसके साथ रहते हुए उस समय लोगों की जरूरत थी तो उनके हिसाब से खाना पहुंचाने का काम और खिलाने पिलाने का काम, लोगों के जीवन रक्षा का काम, इन सबको करने का काम पिछले वर्ष में किया है, और उनके जो बकाया रह गया उसको आगे बढ़ाने का हम तो बीड़ा उठाए हुए हैं और मन में एक सपना सजाए हैं कि अपने नगर को सुंदर और भव्य कितना हम सजा सके, आदर्श नगर बना सके, उसके लिए हमें आगे बढ़ना है। हमारे बहुत सारे मुकाम ऐसे हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि हमारे पूर्व में प्रस्तावित हैं, लगभग पूरे कर भी लिए थे, अधूरे पड़े हुए हैं, उनको आगे पहुंचाना है, पूरा करना है। शायद है कि आसपास के जिलों में हमारे नगर जैसा सुंदर नगर आपको इस कार्यकाल के बाद देखने को नहीं कहीं कहीं मिलेगा। हमारा नगर सबसे सुंदर और सबसे अच्छा नगर आपको दिखाई देगा। राजीव जी, आपके साथ आपकी पत्नी बैठी है, मैं उनका भी प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि वो एक महिला हैं, तो महिला के तौर पर अपने विकास, अपने क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे विकास को देख रही हैं और क्या कुछ कमी उनको अभी भी नजर आ रही है? ब्राह्मण सभा की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और मैंने एक संगठन अपने महिलाओं का तैयार किया, साइज जिले में इससे बड़ा कोई संगठन नहीं, लेकिन महिला मोर्चा का मेरा कोई नाम नहीं है और मैं पार्टी के प्रति हमेशा समर्पित हूँ, समर्पित रहूंगी, क्योंकि मेरे आगे 2017 में मेरे पति ने जो जीत हासिल करके हम सबको नगर को दी वो साहित्य कोई ऐतिहासिक जीत थी और साहित्य कोई आगे दे सकता है, इसलिए मेरे पति निर्दलीय होके लड़ रहे हैं। पता नहीं क्यों पार्टी ने मेरे पति को टिकट नहीं दी, इसमें कोई राजनीति कुटिल राजनीति है, उसका मैं कुछ आपसे कहना नहीं चाहती हूँ, बस यही चाहती हूँ आगे हम अपना जीत की ओर अग्रसर है मेरे पति और हम जनता के पूरा समर्थन मेरे साथ है और मैं उस समर्थन का स्वागत करती हूँ। पूरी जनता नगर की एक साथ बोल रही है राजीव भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। आगे अपनी गाड़ी को पूरा मैम, आप एक महिला हैं तो सरकार बहुत सी योजनाएं महिलाओं के लिए लेकर आती है, तो क्या लगता है वो जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरती हैं या बहुत सारी महिलाएं जो है इन योजनाओं से वंचित रह जाती हैं? नहीं, मैं योजनाएं लेके आती हूँ, मैंने सिलाई का यहाँ काम सभी महिलाओं को दिया था, यहाँ पर सभी महिलाएं आती थी पहले
हमने अपना एक कोचिंग सेंटर खोला था, फिर मैं व्यस्त हो गई थी तो मैंने वो अपना थोड़ा सा कर दिया, लेकिन आगे सब महिलाओं को अपना काम देने का मैं काम सोच रही हूँ। एक कुछ अपना काम सभी महिलाओं को दूंगी, जिससे मेरी महिलाएं आगे कदम से कदम बढ़ा के मेरे साथ चले। राजीव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी भी आपके क्षेत्र में क्या लगता है कि कौन कौन से विकास की कमियां पड़ी हैं? अगर आपको जनता समर्थन देती है तो आप आगे कौन कौन सा काम करेंगे? एक तो हम आपको बता दें कि हमारे नगर में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे हमने आपको बताया पूरी की थी, उनमें से एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे नगर में एक आवास विकास कॉलोनी के नाम से एक वो कॉलोनी है जिसमें की सीवर लाइन की व्यवस्था है, और सीवर लाइन की व्यवस्था जो बनाई गई थी हैंडओवर करने के बाद भी वो पूरी तरीके से संचालित नहीं है। उसको किसी तरीके से पूरी नगर पालिका पूरी ताकत से उसमें लगती है, और ये बात दूसरी है कि उस समय उसकी जनसंख्या नगर आवास विकास कॉलोनी की बहुत कम थी, आज की तारीख में बहुत कुछ बढ़ गई। उसकी वजह से हर जो दो साल में पहले जो सीवर टैंक वगैरह भर जाया करते थे वो आज की तारीख में छह महीने में भर जाते हैं। हर समय परेशानी, गलियों में गंदगी बनी रहती है, उसको सबसे पहले तो हमें उसकी उनकी आवास विकास की जो है सीवर की समस्या उसको सॉल्व करना है। इसके साथ साथ पूरे नगर में बहुत पहले पंडित जगदीश्वर दयाल अग्निहोत्री जी डॉक्टर मन्ना के नाम से फेमस थे, चर्चित थे, उनके द्वारा प्रयास से उस जमाने में जिस समय के लोग सोचते भी नहीं थे उस समय सीवर लाइन को डलवाने का काम पूरे नगर में किया गया था और प्रयास भी किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणवश किसी वजह से वो योजना फेल हो गई थी। आज की तारीख में जिस जो मुकाम पे आज की तारीख में सरकार इतना सफाई और इसके बारे में सोच रही है, उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि इस बार वो सूचना वो योजना सफल हो और फलीभूत हो, जिससे कि पूरे नगर की समस्या सॉल्व हो सके। दूसरी चीज, पानी की टंकियां, जो तीन टंकियां जो पहले से बनी खड़ी हैं उनको फिर दोबारा शुरुआत करवाना, कुछ कमी थी जिसमें पाइपलाइन की कमी है, उनको सही तरीके से चलवाना जिससे पानी की समस्या सॉल्व हो। और जो टूटे फूटे जो नई बस्ती हैं जिन पे कच्ची बस्तियां हैं जो अभी नया जो उसमें साम्राज्य जो जनसंख्या बढ़ी है उन सबके रोडों को बनवाना जिनमें कि लोग बड़ी मुश्किल से पहुंच पा रहे हैं, उन पर जाने का साधन नहीं होता, उनकी व्यवस्था करवाना। हालांकि हमने पिछले कार्यकाल में बहुत सारी बस्तियों में बनवाने की कोशिश की, जैसे लगभग 150 सड़कें तक हमने लगभग बनवाई थी, तो वो उन्हीं क्षेत्र में थी जहां पर वास्तव में जरूरत थी। इन्हीं सब चीजों को जो वास्तव में वैसे भी नगर पालिका के अंदर में जो स्ट्रीट लाइट है, पानी है और सड़क है, ये मूलभूत जरूरतें हैं जिनकी व्यवस्था करी जाती है, उनके वो हम करवाने की कोशिश करेंगे। एक चीज और है, पिछले कार्यकाल में हमने जैसे कूड़ा निस्तारण प्लांट जो हम शुरुआत तो करवा लिए थे, एकदम अंतिम समय पे हमने उसको शुरुआत करवा पाए थे, उसको सही तरीके से हम चालू भी करवा सके जिससे कि नगर के आसपास घर से घुसने पर कहीं पर भी किसी को कूड़ा ना दिखाई दे और लोगों को समझा सके और नगर को जो आगे बढ़ा सके। कुछ जैसे एक और चीज है जैसे वाईफाई की व्यवस्था नगर में, मुफ्त वाईफाई की व्यवस्था जो कि सरकार भी आगे बढ़ा रही है उसको भी आगे डालने के लिए उसको लाने के लिए। राजीव जी, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर क्या कुछ करना चाहेंगे अगर आपको जनता समर्थन दे देती है तो? कहीं ना कहीं आपने जो बात कही है शिक्षा के क्षेत्र में, तो तब भी हमारे नगर में बहुत कुछ साधन है, हमारे कुछ नेहरू डिग्री कॉलेज है और बहुत सारे मतलब डिग्री कॉलेजेज हैं, इंटर कॉलेजेज हैं जिनमें बहुत अच्छी शिक्षा हो रही है और अच्छे अच्छे प्रतिष्ठान और मतलब संस्थान हैं। लेकिन एक जो आपने बात कही ये स्वास्थ्य के प्रति, इस मामले में हमारा भी मानना है कि और सब मामलों में तो छिबरामऊ बहुत आगे बढ़ा है लेकिन इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह गया है। तो हमारी तो ये सोच होगी, हमारा यह प्रयास होगा कि जैसे सौसैया अस्पताल एक है उसी की तर्ज पर और भी नगर में अच्छे अस्पतालों की आगे व्यवस्था की जाए जिससे कि हमारे नगर के लोगों को यहाँ से रेफर करने की या उसकी व्यवस्था से दूर होते हुए हमारे नगर में ही ये व्यवस्था मिल सके, उचित और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। श्री राजू जी, प्राइम टीवी के माध्यम से आप क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी जनता के लिए, हमारे दर्शकों के लिए? हम अपनी प्यारी जनता से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहेंगे, पिछली बार आपने भरपूर सहयोग दिया था, भरपूर प्यार दिया था और हमें उससे हमारी आकांक्षाओं से भी अधिक वोट देकर के समर्थन देकर के आपने हमारे ऊपर विश्वास जताया था, हमने कोशिश भी की थी उसमें कई तरीके किसी तरीके से हम आपकी जो इच्छाएं थी उन पे हम खड़े उतर सके, आपकी जो मांग थी उस पे खड़े उतर सके, कोशिश भी की है और कहीं ना कहीं उस पे प्रयास भी किया है
और उसका कुछ फल भी आपने देखा होगा, लेकिन इसके बावजूद अगर कहीं कुछ उसमें कुछ बकाया रह गया है तो हम कोशिश करेंगे अगला, अगर आपने हमें कार्यकाल दिया और आपने हमारे ऊपर विश्वास जताया, अपना प्यार दिया और अपना समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, तो हम ये आपकी हर आपकी इच्छा और हर मांग पर कोशिश करेंगे, हर तरीके से खड़े उतरे और हर आपकी मांग को पूरा कर सकें। प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बता दें कि निकाय चुनाव की तैयारियों में हर प्रत्याशी लगा हुआ है। पहले चरण का चुनाव 4 मई को होना है। इसके साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी राजू दुबे हमारे साथ मौजूद थे। तो आज के नगर संग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।